हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिका एंड पोएटिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलस बाय समीर बंसल की फंक्शन वाली एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 28 कंसिडर कर रखा है, जो कि देखने में बच्चे ऐसा लग रहा है कि ये कंपोजिट फंक्शन का सवाल है, बट ये एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसमें सीधा कोई टेक्निक काम नहीं करेगा, आपको कुछ केसेस बना के सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ लेट, और इसका आंसर भी समीर बंसल वाली जो बुक है उसमें गलत दिया हुआ है। तो अच्छा, लेट ए इक्वल टू, ये कोई सेट है 1 2 3 4, नंबर ऑफ फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम ए टू ए आर देयर सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज, ये पूछ रखा है बच्चे। तो देखो, पहले तो यहाँ पे एक सीधा केस बना लेते हैं। जो फर्स्ट केस है बच्चे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो फर्स्ट केस है बच्चे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेट ए से ए की तरफ फंक्शन अपन बना रहे हैं 1 2 3 4, सच दैट एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो बच्चे, एक्स हो, राइट। तो देखो लाल, यहां पे एक तो हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस यही देख लेते हैं कि 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 मिल रहा हो। तो ऐसे केस में देखो बच्चे, f1 की वैल्यू 1 है, f2 की वैल्यू 2 है, f2 की वैल्यू 2 है, f3 की वैल्यू 3 है, f3 की वैल्यू 3 है, f4 की वैल्यू 4 है, f4 की वैल्यू 4 है। अगर मैं बच्चे एफ ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करूं, अगर मैं एफ ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करूं, पहले मैं एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं, तो बच्चे f1 कितना आ रहा है 1, फिर 2 पुट कर देता हूं, f2 कितना आ रहा है 2। तो आप देख सकते हैं, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप भाई यहां पे x बराबर 1 डालेंगे तो f1 बराबर 1, ये बात लागू हो रही है क्योंकि f1 1 दिया गया है। तो मेरा ये कहना है, जब आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं तो आपके पास ये ऐसा केस आ रहा है जिसमें एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके का एक फंक्शन अपने को यहां मिल गया, इस तरीके का बच्चे एक फंक्शन अपने को यहां मिल गया। हम आगे केसेस पे आते हैं, दूसरे केस पे आते हैं बच्चे। सेकेंड केस देखते हैं लाल, केस टू देखते हैं मेरे बच्चे। चलो भाई, यहां पे हमने सेट ए से ए की तरफ फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो 1 2 3 4, और बच्चे यहां भी 1 2 3 4। तो देखो, इस दफा लाल एक काम करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन आ चुका है जिसमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस चल रहा है, मीन्स 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। यहां पे देखते हैं, 2 को तो सेम रखते हैं, बाकी 3 पे 4 और 4 पे 3 रख लेते हैं। बोलो भैया, इसका फायदा जरा बताओ। देखो, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 4, 4 पे 3, ये हमने कर रखा है। इसमें जरा चेक करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, जरा चेक करते हैं। अगर बच्चे मैं एक्स बराबर 1 पुट कर दूं, अगर बच्चे मैं एक्स बराबर 1 पुट कर दूं, तो एफ ऑफ एफ वन, एफ ऑफ एफ वन ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। अगर मैं x बराबर 2 पुट कर दूं, क्योंकि f2 की वैल्यू 2 है, तो बच्चे f ऑफ f2, f ऑफ f2 आप चेक कर लीजिए, ये कितना आ रहा है 2 के बराबर आ, क्योंकि f2 2 है। चलिए जरा x बराबर 3 पुट करके देखते हैं, x बराबर 3 पुट करके देखते हैं, f ऑफ f3 आया। बच्चे f3 की वैल्यू कितनी है 4, f3 की वैल्यू कितनी है 4, और f4 की वैल्यू कितनी है, f4 की वैल्यू 3 है। मतलब जो x पुट किया वही आउटपुट आ गया, राइट। मिस एफ ऑफ एफ थ्री भी कितना आ गया बच्चे, 3 आ गया। अगर मैं एक्स इक्वल टू 4 पुट करूं, तो एफ ऑफ एफ 4 आएगा, एफ ऑफ एफ 4 आएगा, और एफ 4 की वैल्यू कितनी बच्चे, 3, राइट। एफ 4 की वैल्यू कितनी, 3, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो एक्स दिया वही आउटपुट मिला अपने को, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स अभी भी आ रहे। तो बच्चे ऐसे कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, ऐसे आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस वाले 2 ले लो, तो बाकी 2 अपने आप ऐसे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, राइट। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बच्चे, 4c2। टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे बच्चे कितने होंगे, 4c2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से कितना आएगा, 6। इस टाइप के अपने पास 6 फंक्शंस बनेंगे, इस टाइप के अपने पास बच्चे कितने बनेंगे, 6 फंक्शंस बनेंगे। एक तो मैंने ऐसा ले लिया, फिर आप ऐसा करते भाई कि 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 3 के करस्पॉन्डिंग 3, और 1 4 4 1 कर लेते, राइट। तो
तो ऐसे आपके पास टोटल छह पेयर्स बनेंगे, मतलब छह फंक्शंस बनेंगे, सॉरी। चलिए बच्चे, तो दूसरे केस से छह निकल के आ गए, अब अगले पे चलते हैं। अगला अब तो आप समझ गए होंगे भाई, केस थ्री। केस थ्री पे आते हैं बच्चे, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो बच्चे यहां पे क्या कर लेते हैं अपन, क्योंकि अब वन टू वन करस्पॉन्डेंस वाले सारे हो चुके हैं, राइट। तो वन के करस्पॉन्डिंग टू कर लेते हैं, टू के करस्पॉन्डिंग वन कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर आपने इन दोनों को चूज कर लिया, दो अपने आप चूज हो जाएंगे, यानी थ्री के करस्पॉन्डिंग फोर, फोर के करस्पॉन्डिंग थ्री, ठीक है। लेकिन अपने को रिपीटेशन से बचना है। आपके पास एक तो ये फंक्शन बन गया, ऐसे आप ऑल पॉसिबल पेयर्स निकालेंगे। तो बच्चे इसके बाद ये अपना एक केस है ना, आप गौर करना, फिर यहां से वन के लिए थ्री, थ्री के लिए वन, ऐसा कुछ बनता, वन के लिए फोर, फोर के लिए वन बनता, ऐसे आपके पास केवल तीन पेयर्स बन पा रहे हैं, राइट। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप चार में से कोई भी दो चूज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर रिपीटेशन चल रहा है, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, टू फैक्टोरियल से। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे बच्चे कितने आएंगे, थ्री। आप ऐसे कर लो या फिर काउंट कर डालो यहां पे, एक तो ये आपके पास बना, फिर ऐसे वन थ्री थ्री वन, वन थ्री थ्री वन। जब आप वन थ्री थ्री वन लेंगे, बाकी टू फोर वाला बच जाएगा, उसमें भी ऐसे कैंची लग जाएगी, राइट। फिर बच्चे वन फोर फोर वन, जब 1441 लेंगे, 23 वाला बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास केवल तीन आएंगे। तो बच्चे तीनों केसेस के आउटकम्स को आप जोड़ दो, तो टोटल नंबर ऑफ सच फंक्शंस कितने आ रहे हैं भाई, 1 प्लस 6 प्लस 3, 10 फंक्शंस आ रहे हैं। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।